नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में जिलाध्यक्ष लक्की सोरेन के नेतृत्व में मनाया गया हुल दिवस। सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर किया माल्यार्पण व पुष्प अर्पित। खबर झारखंड के धनबाद के निरसा में हुल दिवस के अवसर पर निरसा विधानसभा अंतर्गत मुगमा स्थित झामुमो पार्टी कार्यालय के समक्ष सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर हुल दिवस मनाया गया। मौके पर उपस्थित जिलाध्यक्ष लक्की सोरेन, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक मंडल, प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ सोरेन सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने सिद्धू कान्हू अमर रहे, झारखंड के शहीद अमर रहे के नारे से मुगमा मोड़ गूंज उठा। जिलाध्यक्ष लक्की सोरेन ने कहा कि सिद्धू कान्हू दोनों भाइयों ने अंग्रेजी हुकूमत, महाजनी प्रथा एवं बंदोबस्ती के खिलाफ सन 1855 में आंदोलन का शंखनाद किया था। हुल क्रांति दिवस के अवसर उन अमर शहीदों को शत शत नमन व श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हम लोग इस अवसर पर प्रण लेते हैं कि उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज और प्रदेश के विकास में योगदान देंगे। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। सिद्धू कान्हू जो है वीर पुरुष है हमारे। आज से 1855 में जो अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था 10,000 लोगों को जमात करके, और इसका एकमात्र उद्देश्य है जल जंगल जमीन का जो रक्षा हमको करना है। अंग्रेज यहाँ से आए थे बिजनेस करने, और ये जंगल को जमीन को हड़पने के लिए जो मुहिम चलाया गया था उसको रोकथाम के लिए हमारे आदिवासी वीर पुरुष सिद्धू कान्हू चांद भैरव फुलो झानी ने अपना समाज के उत्थान के लिए इस एक विशाल जन रैली को इकट्ठा किया और उसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने का बिगुल फूका। और इसमें हमारे आधुनिक हथियार नहीं थे, तीर धनुष के रूप में उनका हथियार था, उसी से अंग्रेज लड़ते हुए हार गए और आज उनका जमीन को सुरक्षा दिलाया। आज हम उन्हीं के नक्शा कदम पर आगे जो है हम उनका काम करेंगे, जल जंगल जमीन का रक्षा करेंगे। आज हमारा समाज में जितने भी कुरीतियाँ हैं उसको हम लोग दूर करेंगे और एक अच्छा सुशासन सरकार बनाएंगे।